जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन रिजर्वेशन के नियम के बारे में आज हम बात करते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, वहीं 25% जो सीटें हैं वह शहरी छात्रों के लिए होती हैं। जो कैंडिडेट क्लास 3rd, 4th या 5th में से कोई भी कक्षा शहरी क्षेत्र के स्कूल से पढ़ रहा है उसे शहरी छात्र माना जाता है। ग्रामीण कोटे में एडमिशन लेने वाले छात्रों को कक्षा 3, 4 या 5 की परीक्षाएं स्थानीय सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल से पास किया हुआ होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षण संबंधित जिले की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। किसी भी जिले में राष्ट्रीय अनुपात कम से कम 15% SC और 7% ST और 50% से अधिक SC ST नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड जाति और आदिवासी आरक्षण के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग भी उम्मीदवारों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण समय समय पर प्रकाशित केंद्रीय सूची के अनुसार किया जाएगा। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए उसी जिले के बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खुला हुआ होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।